हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नाक कल देखिए आज आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिएगा, चार लाइनों का डिज़ाइन है, हार्डली दो लाइंस का डिज़ाइन है और चार फंदों का डिज़ाइन है। देखिए इस तरीके से दिख रहा है, ये आप ये देखेंगे। और बहुत इजी डिज़ाइन है, बैक साइड इसका ऐसा है और फ्रंट देखिएगा ये इस तरीके से आता है, बहुत आसानी से जो है बन जाता है। पर यहाँ पे दो चीज़ें आपको बता दूँ, एक तो ये थोड़ा सा धीरे चढ़ेगा क्योंकि हम इसमें फंदे उतारते हैं, और दूसरा जो है ये वूल थोड़ी सी ज्यादा लगेंगी इसमें। बाकी चलिए आपको बताती हूँ किस तरीके से इसे बनाएंगे हम। और देखिए मैंने जो है 5 प्लाई की वूल ली है इस तरीके की, और 9 नंबर की सिलाई में आपको मैं इसे बताने जा रही हूँ। हार्डली चार फंदों का और दो लाइंस का डिजाइन है। अब देखिएगा कैसे करना है आपने। पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे और दूसरा फंदा भी हम उतारेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे हम इस तरीके से उतारेंगे। देखिएगा ये उतारा आपने, अब धागा वापस आगे की तरफ किया और ये दो फंदे आपने ऐसे उतारे, फिर धागा अपनी तरफ किया, ये दो फंदे ऐसे उतारे, अगेन धागा ऐसे आगे की तरफ किया और ये दो फंदे इस तरीके से उतार लिए, फिर धागा अपनी तरफ ये उतारे, अगेन धागा वापस आगे ये उतारा, फिर धागा अपनी तरफ ये उतारा, फिर धागा आगे ये उतारा, फिर धागा अपनी तरफ ये उतारा, धागा आगे और ये बना दिया आपने लास्ट वाला फंदा। अब पलट के सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं इस तरीके से। देखिए ये ऐसे इस तरीके से आपने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए बन गया। हार्डली यही दो लाइंस आपने दोहराते हुए जानी है। तो अभी आपको दो लाइंस और बना के दिखा देती हूँ मैं। पहला फंदा आपने उतारा, दूसरा भी उतारा, जो सीधी लाइन है उसमें हमने सारे फंदे उतारने हैं, बस धागा आगे और पीछे करते हुए जाना है। धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उतारे, धागा वापस ये दो फंदे उतारे, धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उतारे, धागा आगे की तरफ दो फंदे उतारे, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उतारे, धागा आगे ये उतारे, फिर अपनी तरफ इस तरीके से उतारे, बिना बुने हुए उतारने हैं। पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी, इस लाइन में हमने बुनना नहीं है, बस धागा आगे पीछे करते हुए जो है जाना है। ये देखिए ये, और ये लास्ट का फंदा सिर्फ आप बनाइएगा क्योंकि हमें इसे उल्टा बनाना है। फिर उल्टी तरफ पूरी लाइन आपने ऐसे उल्टी करनी है इस तरीके। ये देखिएगा, ये आपने इस तरीके से पूरी लाइन बना। तो ऐसे ही आप इसे बनाते हुए जाओगे तो जो है ये बनता हुआ जाएगा। जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि आप ये देखिए, ये इस तरीके से बना हुआ है, तो ये डिजाइन एग्जैक्टली सेम बनेगा। बस यही दो लाइंस को आपने इसी तरीके से जो है रिपीट करते हुए जाना है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर जरूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।